आपके फोन को कैसे बचा के रखना है ये तेजी से बता दो। हमारा फोन हमारे साथ हर जगह जाता है, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, बाथरूम, टॉयलेट, कहीं जंगल में, नदी के किनारे, हर जगह भाई। हमने आपको बता रखा है अपने फोन की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ानी है, बैटरी कैसे तगड़ी करनी, साफ भी कैसे करना है, सब कुछ अच्छे से इन डेप्थ। बट इसको संभाल के रखना ताकि अंदर वायरस ना घुस जाए, बीमार ना पड़ जाए बेचारा, फीवर वीवर आ गया, प्रोसेसर ज्यादा गर्म होने लगे, दिक्कत हो जाएगी, या फिर बाहरी दिक्कतें भी जो है, स्क्रीन टूट रही है, बैक साइड में स्क्रैचेस आ रहे हैं, इन सबको भी कैसे फिक्स करना, सारी चीजें दोस्तों 100% सेफ। अंदर से भी बाहर से भी लट को पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं। हम सबको लगता है गूगल प्ले स्टोर एकदम ही सेफ है, पर ऐसा नहीं है। काफी सारे कीटाणु वाली एप्लीकेशन और काफी सारे स्कैम गूगल की प्ले स्टोर की एप्लीकेशन पे होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि हमको पता भी नहीं चल पाता। हमको लग रहा है हम अपने लिए खाना ऑर्डर कर रहे हैं, बट फोन को बदहजमी हो जा रही है, मतलब स्लो हो जाएगा ना। एक्चुअली होता क्या है, गूगल प्ले पे भाई हजारों करोड़ों एप्लीकेशन होती है, और गूगल जो नई नई एप्लीकेशन है उनको चेक करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और कभी कभार छोटी एप्लीकेशन होती हैं 50,000 से नीचे डाउनलोड्स वाली, उसमें भाई कभी कभार थोड़ी कीटाणु वाली चीजें थोड़ी जो फोन को दिक्कतें देते हैं, आपका फोन स्लो हो सकता है, बेकार के जबरदस्ती के एड आपको दिखने लेंगे, नोटिफिकेशन पैनल में भाई जबरदस्ती की नोटिफिकेशन आए चली जा रही है, उसके बाद गेम वेम सब स्लो हो जाएंगे। ये सारी चीजों से बचने के लिए आप गूगल प्ले की डिस्क्रिप्शन में जाके उसका डेवलपर का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। अगर वो एप्लीकेशन ओपन सोर्स है, मतलब वो खुला, उसका कोड सब देख सकते हैं उसका कोड, तो इसका मतलब 99% वो एप्लीकेशन सेफ रहेगी, क्योंकि भाई जो कोड खुला कर देता है वो अंदर कुछ छुपाने की उसकी जरूरत नहीं। दूसरी चीज, आप रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, और तीसरी चीज, जो जानी मानी अच्छी बड़ी एप्लीकेशंस हैं उनको ही इंस्टॉल करा जाए, और अगर कोई छोटी एप्लीकेशन है तो उसका डेवलपर आप चेक कर लो कि भाई मस्त हाई क्वालिटी वाला बंदा हो। दूसरी चीज भाई, पुरानी जो ऐप होती है वो थोड़ा सा सड़ जाती है। एक्चुअली होता क्या, जैसे आपका फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है ना, और अगर पुराने वर्जन वाली ऐप अगर आप चला रहे हो तो कभी कभार आपस में मेल जोल नहीं हो पाता, तो उसके वजह से पुरानी एप्लीकेशन और नया एंड्रॉइड वर्जन, तो उसमें स्लो स्लो चलने लगा आपका फोन। तो इसलिए अगर आप एप्स अपनी अपडेट कर लो भाई, फोन वेरी क्विक क्विक चलने लगता है, और जैसे जैसे नए वर्जन आपके बढ़ते जाते हैं तो भाई मैलवेयर और सिक्योरिटी में भी बेटर फीचर्स आते जाते, सारी ऐड कर देते हैं भाई ऐप वाले, तो नाइस नाइस, तो अपडेट ऐप कर लिया करो। तीसरी चीज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा खुद के अकाउंट्स हैक हो रखे हैं, हमारी साइड भी हैक हो रखी है, और ये सारी चीजें हमने एक्सपीरियंस से सीखी है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो ये राम मान है भाई, दिस इज द बेस्ट, ये हैकर से आपको बहुत ज्यादा बचाएगा। इसका मतलब ये है, जब भी आप लॉग इन करो आपके फोन पे ओटीपी आ जाएगा, वेरी नाइस। तो कोई अगर हैकर होगा उसका आपका अकाउंट भी हैक करना पड़ेगा, साथ साथ आपका फोन भी हैक करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएगा, जो बहुत ही मुश्किल है। ये हर जगह भाई, जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जोमेटो में भी लगा लो, कोई बंदा समोसा तक ना ऑर्डर कर पाया भाई, 10 रुपए का समोसा जब भाई 15 की मिलती है आजकल समोसे, 15 रुपए का समोसा जब हाथ से छीन के किसी और के पेट में जाता है ना दोस्त, तो हम दूसरी ऑर्डर कर रहे थे क्योंकि इसका एक्सपीरियंस है, बड़ा आप मत करना, देखो शेयरिंग इज केयरिंग, बट हैकर के साथ क्यों करना है शेयर, हैकर के साथ अपना गुस्सा शेयर करेंगे और प्यार, प्यार भरा गुस्सा। हैकर आपका फोन हैक करे, आप उसका रिलेशनशिप में आ जाओ, उसका दिल हैक कर लो, इतना स्मार्ट टेक चैनल हमारा। दोस्तों आपको भी अगर मेरा दिल हैक करना है सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एक चीज बताऊं, जो आपको 6 डिजिट का पिन कोड होता है वो एक पैटर्न लॉक से भाई 4 से 5 गुना ज्यादा सेफ होता है। 4 डिजिट के पिन के खाली 10,000 कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा कम है। अगर किसी हैकिंग ऐप से करेंगे तो भाई बहुत ही तेजी से हैक करा जा सकता है, बट अगर आपके में एक 6 डिजिट का पैटर्न लॉक है तो उसके 1,000,000 कॉम्बिनेशन होते हैं, उसको हैक करने में भाई 5 से 6 दिन लग सकते हैं। जो आपका पैटर्न लॉक होता है उसमें 3,00,000 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो मतलब 6 डिजिट के पिन से 3 गुना ज्यादा अनसेफ है। तो अगर आप अपने फोन पे लगा रहे हो तो 6 डिजिट का पिन या फिर एक एक्चुअल 10 से 16 डिजिट का पासवर्ड लगा दो, ओहो कोई खोल ही नहीं पाएगा भाई। आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उस पे आप एक अलग से भी पासवर्ड लगा सकते हो। सैमसंग वालों का एक नॉक्स फीचर आता है, काफी इन डेप्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, और अगर आप डबल टैप करोगे तो एक सिक्योर फोल्डर टाइप भी बन जाता है, और काफी सारे फोन्स में ऐसा ही एक सिक्योर फोल्डर होता है, तो ये सब आप यूज कर सकते हो अगर आपको अपनी एप्स को हाइड करके रखना है। और मैं देखा काफी सारी एंड्रॉइड फोन्स में एक फिंगरप्रिंट वाला अनलॉक होता है, और काफी लोग यही फिंगरप्रिंट अनलॉक और भी एप्लीकेशंस जीमेल के लिए और इन सब चीजों के लिए यूज कर लेते हैं। बट मेरे हिसाब से जो यूपीआई का पासवर्ड है, फोन का पासवर्ड है, अलग होना चाहिए, और यूपीआई और किसी भी बैंक के एप्लीकेशन में आपको अपना फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि भाई हो सकता है कोई रात में कोई अनलॉक करके भाग जाए, चोर तो क्या आपकी बहन ही आपका अकाउंट साफ कर जाए, ये सृष्टि बहुत बेवफा है दोस्तों। और भी छोटी छोटी चीजें जो आपको करनी चाहिए, ऑटो लॉक अपने फोन में ऑन कर देना चाहिए, अगर जैसे आप फोन यूज कर रहे हो आपने इसे रखा छोड़ दिया तो कोई और उसको यूज नहीं कर पाएगा, ऑटोमेटिकली फोन लॉक हो जाएगा। और कभी कभी तो भाई फोन खोला उसके बाद ऐसी जेब में हम डाल देते हैं, फिर अंदर ऐसे बटन दबते रहते हैं भाई पैर से लग के, वो सारी
चीजें भी कम हो जाती हैं अगर ऑटो लॉक वाला फीचर है। हम सबके एंड्रॉइड फोन्स में अपडेट्स आते हैं जिसमें सिक्योरिटी पैचेस वाले अपडेट्स होते हैं, ये आपको जरूर जरूर डालने चाहिए क्योंकि जितने भी एंड्रॉइड फोन्स हैं इनमें वायरस नहीं होते, क्योंकि वायरस क्या होता है, वो जाता है फोन के सिस्टम में अटैक करता है, बट एंड्रॉइड फोन में कोई भी एप्लीकेशन या हम खुद भी सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते अगर हमें रूट नहीं करा तो जितनी भी चीजें हैं जो खराब कर सकती हैं वो आपकी नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा दे देंगी या फिर अलग अलग स्क्रीन पे पॉपअप आ जाएंगे बेकार से, और इन सब चीजों को मैलवेयर बोला जाता है। उससे प्रोटेक्शन के लिए भाई सिक्योरिटी अपडेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कोई भी ऐसे मेल आता है HTTPS में S उसका मिसिंग है, S का मतलब सेफ्टी नहीं है वैसे, बट हाँ HTTP से अगर कोई आ रहा है तो मतलब वो बेकार वेबसाइट है, उस पर मत जाओ, रिस्की हो सकती है वेबसाइट। दूसरी चीज, किसी भी अननोन नंबर से कोई भी इमेज आए या फिर कोई भी लिंक आए उसको मत खोलो भाई, क्योंकि इमेज से भी आपका फोन हैक करा जा सकता है। कोई भी ऊटपटांग लिंक है, कोई भी फोटो वोटो है, भाई खोलने की जरूरत ही नहीं। काफी सारे फोन्स में एक ऑटो डाउनलोड का फीचर होता है जिसमें आपके मैसेज पे जितने भी इमेजेस हैं वो सारे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं, उसको आपको ऑफ करके रखना चाहिए ताकि कोई भी अगर आपको खतरनाक इमेज भेजता है मैसेज पे तो ऑटोमेटिकली आपके फोन में डाउनलोड या फिर वो ऑटोमेटिकली खुल ना जाए, क्योंकि उससे आपका फोन हैक करा जा सकता है। ये ऐसे वॉलपेपर्स हैं जो अगर आपके फोन में एज ए मैसेज है तो आपका पूरा फोन हैक हो जाएगा। इनसे कैसे बचना है तेजी से बताता हूँ। आपके फोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है सब में भाई जो लोकेशन वाला है वो ओनली वाइल यूजिंग पे रखना चाहिए। इसका मतलब जब एप्लीकेशन खुली बस तभी लोकेशन आपके लेगा, तो दूर दराज जो आप अपनी हॉट सीट पर बैठे हैं किसी को पता ही नहीं चल पाएगा भाई, आप क्यों चाहते हो जोमेटो वालों को पता चले या फिर ग्रोफर्स वालों को, अगर ज्यादा देर बैठ रहे हैं सब गोल गया भाई, दिस इज नेक्स्ट लेवल। जितने भी आपके स्मार्टफोन के केसेस होते हैं उनको थोड़ा सा देख के सेलेक्ट करना चाहिए। जो सॉफ्ट वाले केसेस होते हैं सिलिकॉन वाले या फिर रबराइज्ड होते हैं वो काफी बेटर रहते हैं, क्योंकि जब उतारोगे केस को तो आपके फोन में स्क्रैचेस नहीं आते। अगर प्लास्टिक वाले हैं मेटल वाले हैं तो उससे काफी ज्यादा स्क्रैचेस और खराब होने के फोन के चांसेस रहते हैं, और इस टाइप के दाग धब्बे आ सकते हैं। इसका काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव ये मस्त स्किन्स रहती है, वाओ जल्दी आपके पास भी आएगा। हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, टाइम लग रहा है बट आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज। रूट करना, कस्टम रोम डालना भाई, अलग अलग चेंज करना फोन के अंदर काफी कूल लगता है सुनने। जिन लोगों नहीं पता है, रूट करना मतलब सिस्टम की एक्सेस लेना होता है फोन की, वो एक्सेस आपको ही मिल जाती है, और जो एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो और उनको अगर आपने वो अप्रूव कर दिया तो उनको भी वो एक्सेस मिल जाती है। तो अगर आपने अपना फोन रूट करा है तो जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो उसको काफी सोच समझ के इंस्टॉल करना चाहिए, और जो ट्रस्टेड डेवलपर्स हैं उनकी ही एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी चाहिए एक रूटेड फोन के अंदर, क्योंकि हैकिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं रूटेड फोन्स पे। उसके साथ साथ कोई और कस्टम रोम अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें भी एक ट्रस्टेड डेवलपर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके फोन में हैकिंग करी जा सकती है। एक चीज मैं बहुत ही ज्यादा रिकमेंड करूंगा वो है ऑनलाइन बैकअप्स को लेना। जितने भी आपकी फोटोज हैं, जितने भी मैसेजेस हैं, जितनी भी चीजें उन सब का आप ऑनलाइन बैकअप रखो। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है अगर आपका फोन खो भी जाता है तब भी आपका सारा डेटा सेफ रहता है। काफी सारे लोग हैं जो खाली फोन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है जब उनका फोन चोरी हो जाता है या उनका फोन खराब हो जाता है। तो हाँ भाई, जो भी सर्विस आप यूज करना चाहो भाई, कहीं ना कहीं ऑनलाइन बैकअप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक चीज और, अगर आपका चार्जिंग बोर्ड क्लीन नहीं है आपको फोन धीरे चार्ज हो, और अगर आपका स्पीकर साफ नहीं है या फिर हेडसेट वाला स्पीकर साफ नहीं है तो आपको आवाज कान पे कम आएगी या फिर आपका स्पीकर धीरे बजेगा। इन सारी चीजों को फिक्स करा जा सकता है अगर आप अपने फोन को सही से साफ करें। हमने एक ट्यूटोरियल बना रखा है अपने फोन को कैसे साफ करना है, उसको जरूर चेकआउट करना। तो दोस्तों हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, पूरी बॉडी में दिक्कत होने लगती है, बॉडी सही से काम नहीं करती। सेम इसमें भी है, जो बैटरी है वो अगर गर्म होती है तो उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आने लगती है। तो भाई गैस के चूल्हों के पास, माइक्रोवेव के ऊपर, ओवन के ऊपर अपने दिल की गर्मी से सबसे दूर रखना चाहिए। एक लास्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, पब्लिक वाईफाई पे कभी नहीं जाना चाहिए भाई। मैं काफी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पब्लिक में एयरपोर्ट पे या फिर जो ऐसे वाईफाई लगे होते हैं फ्री वाले, उन सब पे कनेक्ट करते हैं, उनके खाली फोन नहीं भाई लैपटॉप और ये सारी चीजें भी हैक करी जाती है। क्योंकि जितने भी ओपन वाईफाई होते हैं इस पे काफी सारे हैकर्स आपका डेटा ट्रैक वैक कर सकते हैं, और आपका आईडी पासवर्ड आपको पता भी नहीं चलेगा, सारा गायब हो जाएगा। तो ये जितने भी ओपन वाईफाई, इनको जितना आप अवॉइड कर सकें उतना ज्यादा बेटर है भाई। फ्री का हमेशा सामान बढ़िया नहीं होता है, बट एक चीज फ्री में बहुत बढ़िया, वो है नीचे टेक बर्नर का सब्सक्राइब बटन, जल्दी से सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।